खबर उन्नाव से है जहां मोती नगर स्थित मनोरंजन स्वीट हाउस के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग की सूचना मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पूरा मामला मोती नगर स्थित मनोरंजन स्वीट के पास का ये मामला है। सर, जगपत उन्नाव के कोतवाल महोदय द्वारा जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि मनोरंजन स्वीट हाउस के पास ट्रांसफार्मर है जिसमें आग लगी हुई है। इस सूचना पर मैं यूनिट एक फायर टेंडर के हम लोग घटनास्थल पहुँचे। आग विकराल रूप धारण करके जल रही थी, जिसे गाड़ी से पंपिंग करके तुरंत बुझवा दिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं रही, केवल ट्रांसफार्मर में ही क्षति हुई जो कुछ हुआ। और बाकी गर्मी का सीजन चल रहा है, हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमारे जवान, तीन गाड़ी हैं हमारे पास यूनिट, तीनों यूनिट के जवान एकदम कमरबंदी में हमेशा दुरुस्त अपने बैरिकों में हैं। खबर उन्नाव से है जो साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार, कहा पूरा विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट जी ने कहा है माइक खुले रहते हैं, बोलने की आजादी है, जिनके पास मुद्दे नहीं है शोर शराबा मचाकर भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का काम करते हैं। आगे कहा कि हिंदुस्तान की बात विदेश जाकर करना, इससे बड़ा राष्ट्रीय द्रोह कुछ नहीं हो सकता। उन्नाव प्रसार पर हो रहे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये बयान दिया है। पूरा विपक्ष खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति में है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने भी कहा है माइक खुले रहते हैं, बोलने की आजादी है, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। मथुरा में रविवार को कोसी कला के शाहपुर रोड स्थित एसकेडी इंटर कॉलेज सुपाना में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अनेकों प्रकार के पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर संगीत और नृत्य की रंगारंग और भव्य मनमोहक प्रस्तुति करते हुए उपस्थित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह तेवतिया ने अपने भाषण में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी को अपने बच्चों के भविष्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। आजकल हमारे बच्चे हमारे संस्कार से दूर होते जा रहे हैं, इसकी फिक्र ना माँ बाप को है ना ही बच्चों को। ये गंभीर चिंतनीय विषय है जिस रूप में बच्चों का पतन हो रहा है। अगर समय रहते इस गंभीरता पूर्वक विचार और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसका परिणाम गंभीर रूप से हम सबको भुगतना होगा।